पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और पाकिस्तान अपने ही खिलाड़ियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहा। बाबर आजम लगातार उनके निशाने पर हैं, वहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी अब विवादों में आ चुके हैं। क्रिकेट में मिली हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने कई ऐसे बयान दिए जिसने सबको हैरत में डाल दिया और अब पाकिस्तान के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विश्व कप 2023 में खराब प्रदर्शन और बोर्ड की भूमिका की आलोचना करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर शर्मनाक कॉमेंट कर दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस समय अब्दुल रज्जाक ये सब कह रहे थे, मंच पर उनके साथ मौजूद शाहिद अफरीदी इस पर हंसते नजर आए और ताली पीटते नजर आए। खैर, सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी के बाद अब्दुल रज्जाक ने सबसे माफी मांग ली है। ऐश्वर्या राय को लेकर दिए घटिया बयान पर समा टीवी पर माफी मांगते हुए अब्दुल रज्जाक ने कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी, मेरी जुबान फिसल गई और मैंने उदाहरण कोई और देना था मगर ऐश्वर्या जी का नाम मुंह से निकल गया। मैं माफी मांगता हूं और मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, मैंने मिसाल कोई और देनी थी मगर मेरे मुंह से ये निकल गया, मैं माफी मांगता हूं। दरअसल रज्जाक ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा, मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इनकी नीयत बड़ी अच्छी है, इस चीज से मैंने कॉन्फिडेंस लिया, इनकी नीयत अच्छी है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, इसलिए मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी डिलीवर किया वहां पर। यहां बड़ी बातें चल रही है पाकिस्तानी टीम की और प्लेयरों की, तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयर्स को डेवलप किया जाए। इसके बाद रज्जाक ने आगे कहा कि अगर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छे संस्कारी और गुणी बच्चे के लिए ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए आपको पहले अपने इरादे ठीक करने होंगे। भारत में इस बयान पर कई प्रतिक्रियाएं आईं, वहीं पाकिस्तान ने भी इसे आड़े हाथों लिया। शोएब अख्तर ने नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है, मैं रज्जाक द्वारा किए गए भद्दे मजाक की बहुत निंदा करता हूँ, किसी भी महिला का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए, उनके पास बैठे लोगों को हंसने और तालियां बजाने के बजाय तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए थी। शोएब के अलावा एक और पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को रज्जाक की राय बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने भी इस बयान पर अफसोस जताया है। खैर, हर तरफ से आलोचना होने के बाद अब्दुल रज्जाक ने माफी मांग ली है।